हेलो दोस्तों, मैं हूँ बकुल वालंपिया। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कंटेंट प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले लोग जो है किताबें पढ़ते थे, मगर आज जो है वो जो है ऑडियो बुक्स वगैरह जो है पॉडकास्ट जो है वो सुनना पसंद करते हैं। उसी तरह जो है जो चीज़ें हम लोग जो है बहुत सारी जो है इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक की अगर बात करें तो वो ऑडियो में सुनना चाहते थे, तो आज जो है हम चाहते कि उसकी वीडियो हम देखें और सुने। ठीक है, और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होती है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह, तो वो भी बहुत सारी जो है वो वीडियो फॉर्म्स में जो है हम देखना चाहते हैं, ताकि हमें एक्चुअली वो कैसे किया जाता है वो आसानी से समझ में आए। तो ऑडियोजिल कंटेंट जो है उसका एक एडवांटेज है, और दूसरा कि आज जो टेक्नोलॉजी जो है खास करके इंटरनेट और उसका जो डेटा एक्सेस जो है इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ की हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ एफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो आज ऑडियोजल कंटेंट जो है वीडियो कंटेंट खास करके जो है उसका जो है ना व्याप बढ़ता जा रहा है, उसका एडवांटेज बढ़ता जा रहा है, और लोग जो है दिन में दिन जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो है एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर 21st सेंचुरी की हम बात करें। और अभी रिसेंट जो ये समय चल रहा है पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि दिन में दिन ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़ी होती जा रही है, और इसमें जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंटेंट जो है वो एक प्रकार का नहीं होता है, वो बहुत से प्रकार के होते हैं। आप जो चाहे वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो भी जो है अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है सिर्फ जो है ऑडियो विजुअल यानी फिल्म बनानी है या तो सीरियल बनानी है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के ही सिर्फ चीज़ें बनानी है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तो वो तो टेक्निकल भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, वो बिजनेस कंटेंट इन टर्म्स ऑफ डेटा भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो बहुत सारी रेंज है कंटेंट क्रिएट करने की, इट्स ए एंडलेस जिसको बोलते हैं ना चॉइस। आप जो है अपनी एक चॉइस के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज आप क्रिएट कर सकते हो। और आज देखिए कि आज ज़्यादातर दुनिया में हम देखें, हमारे हमारे इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी हम जो है करीबन 70 करोड़ के आसपास जो है स्मार्टफोन जो है हमारे इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उतना जो पॉपुलेशन जो है उसे जो है ऑडियोजुअल कंटेंट जो है वीडियो कंटेंट जो है उसकी एक्सेस है, ये समझ में आ सकता है। दूसरा कि ये जो डेटा प्लान्स वगैरह जो है हमारे देश में बहुत सस्ते हैं, तो उसके कारण भी जो है उसका सब्सक्रिप्शन करना आसान रहता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे ये जो फेसबुक है, फिर ये यूट्यूब है, फिर दूसरे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ जो है वीडियो फॉर्म में जो है कंटेंट शेयर किया जा सकता है और उसको जो है लोगों तक तो पहुँचाया जा सकता है। तो ये जो लोग हमारे जैसे लोग जो है जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए विन विन सिचुएशन है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी मैं इसमें ये देखता हूँ कि ये चीज़ क्रिएट करने में सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ खास करके। ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा लगे उसको ध्यान में रख के हम कंटेंट बनाए, बल्कि हम एज इट इज़ जो है ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट जो है कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट वे में बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई ये फिल्म जो है फैमिली के लिए है तो उसमें जो स्टोरी है उसी हिसाब से जो है बनानी है, उसी हिसाब से बुननी है, स्क्रीन प्ले वैसे ही करना है, डायलॉग वैसे ही बोलना है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी डिसेंट इंसान जो है, कोई भी जो है बंदा है, कोई भी अपना एरिया ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें
ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत हाईफाई होना चाहिए। आपके पास अगर अच्छा सा मोबाइल फ़ोन है और उसमें जो है कैमरे लगे हुए हैं, बराबर है, डिजिटल फॉर्मेट में वो काम करता है, तो बहुत बढ़िया है, इनफ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी बैकअप वगैरह जो है वो भी चाहिए, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जो लोग जो है ये कंटेंट देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि लोग जो है इसको जो है मूवी की तरह या तो सीरियल की तरह नहीं देखते हैं, और इसलिए वो लोग जो है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, क्लेरिटी की बात करें, साउंड क्वालिटी की बात करें, तो उसमें इतना वो लोग जो है कंसर्न नहीं होते। क्योंकि उन लोगों के लिए भी जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होती है वो जानकारी होती है कि हमें कुछ नया जानना है, नया सीखना है। तो लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये जो है फिल्म की तरह प्रोड्यूस किया गया है या नहीं किया गया है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटेंट प्रोडक्शन में ऑलरेडी सीनियर लोग भी है, तो बहुत सारे ऐसे भी है जो कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी स्प्रेड कर देते हैं कि आप कंटेंट ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि जो बंदे के पास सही में बहुत अच्छा नॉलेज है, जानकारी है, उसके पास उस तरीके की जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी हो या तो टाइम हो या तो फाइनेंशियल कैपेसिटी हो कि वो पूरा सेटअप कर सके। तो यहाँ मामला सिर्फ और सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन का है, ज्ञान का है, नॉलेज का है, ठीक है, नोहाव का है, और वो हमें जो है चाहिए, और वो जो है आसानी से हमें एक दूसरे के साथ शेयर करके मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है ये डर भी हमें निकाल देना खूब ज़रूरी है कि हमारे पास पूरा का पूरा कॉमर्शियल वगैरह जो है प्रोडक्शन सेटअप है, तभी जो है हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा कहने का यही है, जो मैं खुद जो है एज ए कंटेंट क्रिएटर जो है बहुत साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो बिजनेस जो है वो एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग वगैरह फील्ड में, फिल्म प्रोडक्शन में है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा जो होती है वो कंटेंट जो है शेयर करने की होती है। यहाँ मैं ये सोच के नहीं बनाना चाहता कोई भी चीज़ की जो है कि एज ए फिल्म मेकर मुझे कोई लोग देखे, क्योंकि वो पूरी की पूरी चीज़ अलग है, दोनों की प्रायोरिटी अलग है। अगर मैं उस तरीके से सोचूंगा तो मैं कभी भी जो जेन्युइन कंटेंट मुझे जो शेयर करना है एनी टाइम मेरे दिमाग में आता है और मुझे इंस्टेंट शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ, तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो वो चीज़ जो है वो कतई करने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो दिमाग में से हमें निकाल देनी चाहिए। और जिसके पास ऑथेंटिक कंटेंट है वो आज या तो कल कभी भी जो है सक्सेसफुल हो सकता है, मगर आप डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड और प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप कंटेंट जो है बनाना शुरू करेंगे, आपका जो कोर एरिया है, नीच एरिया जो है नॉलेज का, उससे हटकर आप काम करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा दिन आपको जो है व्यूअरशिप मिल जाए, वो चोर्स मिल जाए, आप सफल भी हो जाए, बराबर है, मगर वो लॉन्ग टर्म नहीं चले गए। इसमें दो चीज़ें, एक तो जो है आप उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट वो नहीं है और आप कर रहे सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को एनकैश करने के लिए, तो होगा क्या कि आगे जाके आप जो है उसमें नयापन नहीं ला सकेंगे। आपके पास जो है उसमें नया नॉलेज, नया स्किल शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो नहीं रहेगा क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस होने लगेगा, तो भी जो है आपके जो चाहने वाले जो है वो जो आपसे बोर हो जाएंगे। तो इसमें सिंपल सी एक ही चीज़ है कि आप जो चाहे, आप जो भी मन में आए, जो जिसको बोलते हैं लोकभोग्य हो, इस तरीके से भाषा में, अच्छी भाषा में और अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से आप जो है अपना जो कंटेंट जो है शेयर करते हो, तो ज़रूर आपको जो है आगे जाके सफलता मिल सकती है एज ए कंटेंट क्रिएटर। और ये मेरे हिसाब से जो है इस सेंचुरी की अगर कोई बेस्ट चीज़ अगर कही जाए तो मैं कंटेंट क्रिएशन को कहता हूँ। उसको फाइनेंशियल एडवांटेज के रूप में सिर्फ देखना भी जो है बेईमानी है और मूर्खता है। आज हमें लोगों के पास पहुँचना है, कोई चीज़ हमें उसको शेयर करना है,
उसके दूसरे बहुत सारे फायदे हमें और उन लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं जिसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ जो है वो आज की ये जो कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है, यूट्यूब है, फेसबुक है, दूसरी ऐसी बहुत सी साइट्स हैं, बराबर है चैनल्स वगैरह है, तो वो जो है हमें प्रोवाइड करते हैं और हमें जो है हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि हम हमारे पास टाइम है, खाली बैठे, या तो कुछ हमें जो है अनविंड करना है, अपने आप को फ्रेश करना है, तो इससे बढ़िया चीज़ जो है हो ही नहीं सकती। तो सबको ऑल द बेस्ट और कीप क्रिएटिंग न्यू कंटेंट्स। थैंक यू।